आग्रह करबै कमला सिंह बंसाली अतिथि के रूप में आसन ग्रहण तहिना हमरा सभक संग मंजू मिस मंजू श्रेष्ठ कसे आसन ग्रहण क देबाक लेल हार्दिक आमंत्रित करै छी। तहिना ई सब बात जे आबै छै तऽ कतौ ने कतौ शुरुए से लागल मैथिली साहित्य परिषद में पंडित महेश चंद्र झा जी के सेहो आसन ग्रहण क देबाक लेल हार्दिक आमंत्रित करै छी। तहिना हम करुणा मैम कहलखिन जे ताली बजते तभी हम अपन कविता कहब। ताली तो चाही ना, एतै के अभियानी छै तऽ अपने और ताली नहीं बजेबे। धन्यवाद राधा मंडल जी। अगर हमर कविता अहाँ सबके मन के छुअत तो निश्चित रूप से अहाँ सब ताली बजेबे करबै छै विश्वास संग। एहिठाम उपस्थित सम्पूर्ण मैथिली अनुरागी मैथिली प्रेमी लोगन के हम करुणा झा के जय मिथिला जय मैथिली के अभिवादन के संगे हम अपन कविता प्रस्तुत कर रहल छी। एकटा बुजुर्ग दंपति जिनकर बेटा बेटी सब जे ब्याह शादी जब भ जाइ छै आ जब दंपति बुजुर्ग भ जाइ छथिन ओहि समय मे ओ सब एकटा कोनो दंपति के मुँह से हम दू शब्द सुनब ओहि पर ही कविता हम तैयार केने छी। चश्मा साफ करैत बुजुर्ग अपना कन्या से कहलनि अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। पत्नी मुदा ठीक 5:55 पर हम पानी के गिलास रख देहरी पर ठार भ जाय छलो आ यहाँ ऑफिस से आबैत रही। हाँ लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। पति कहे छथिन हाँ हम 30 साल नौकरी केलहुँ मुदा आई तक ई नहीं पता चलल कि अहाँ पानी के गिलास लग आबैत रही तैं हम आबैत रही कि हम आबैत रही तैं अहाँ पानी के गिलास लाबैत रही। लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। पत्नी कहे छथिन हाँ अहाँ के मोन अछि अहाँ जखन रिटायर नहीं भेल रही अखन जखन अहाँ के डायबिटीज नहीं भेल रहा तो अहाँ के मन पसंद के खीर हम साँझ के बनाबत रही आ यहाँ आबत रही तो कहत रही जे आइए दिन में हमरा खीर खेवा के मन होइ छल आइए दिन में हमरा खीर खेवा के मन होइ छल आ साँझ में अहाँ खीर बनाबत रही। हाँ लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छल। हाँ लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छल। पत्नी कहे छथिन मन पारू हम जखन पहिल बेर गर्भवती भेल रही आ अपना नहिरा गेल रही प्रसव के लेल तो जहिया हमरा पहिल प्रसव पीड़ा के दर्द उठल तो हम सोचलहुँ जे काश आई यहाँ हमरा सोझा रहितौं आ ठीक 1 घंटा के बाद जखन हम प्रसव पीड़ा के दर्द में रही तो ठीक 1 घंटा के बाद हाँ हमरा सामने एलौं लेकिन हमरा जमाना में मोबाइल नहीं छल। पति कहे छथिन हाँ ओहि दिन अनायास हमरा मन भेल जे अहाँ के कनी नहिरा में जाकर देख आबी आ हम अहाँ के तुरंत विदा भ गेलौं अचानक हमरा मन पड़ गेल लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छल। पत्नी कहे छथिन अहाँ अपन कविता के हमरा 4 लाइन सुनाबैत रही आ हम लाज से पठौत भ अपन नजर के झुका लैत रही। पति कहे छथिन हाँ हम ओकरा लाइक बुझैत रही जखन गाम में रामलीला के नाटक होइत रहे तो हम अहाँ के कहैत रही जे राति में सब कन्या सब के संगे अहाँ चलि आब रामलीला देख तो अहाँ वह साड़ी पहन के आबैत रही जे हम अपना मन में सोचने रही लेकिन हाँ अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। ओ पत्नी के हाथ पकड़ के कहलखिन जे अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। पत्नी कहलखिन आई बेटा या पुतौ संग त रहै छै मुदा बात व्हाट्सएप में होइ छै आई बेटा पुतौ संग त रहै छै मुदा बात व्हाट्सएप में होइ छै लगाव नहीं टैग होइत अछि कमेंट नहीं केमिस्ट्री नहीं कमेंट होइत अछि लव नहीं लाइक होइत अछि खट्टा मीठा नोक झोंक नहीं होइत अछि ऑल फ्रेंड होइत अछि लेकिन अपना जमाना में मोबाइल नहीं छ। पति कहलखिन छोड़ू ई सब बात आब हम सब वाइब्रेट मोड में छी। पति कहलखिन छोड़ू ई सब बात
हम सब आब हाइब्रिड मोड में छी, बैटरी हमर सबके सेहो आब एक लाइन बचि गेल है, बैटरी हमर सबके सेहो आब एक लाइन बचि गेल है। आइ लेल आब छोड़ू ई सब बात, कहाँ जाइ छी? पत्नी कहलखिन हम अहाँ के लेल चाय बनाबे जाइ छी, अखनो हम कवरेज क्षेत्र में छी आ हमरो में अखन मैसेज आबैत अछि, अखनो हम कवरेज क्षेत्र में छी आ अखनो हमरा में मैसेज आबैत अछि। दुनू बुजुर्ग दंपति जोर से हंसै छै आ कहै छै जे अपना जमाना में मोबाइल नहीं छै, बहुत किछ छूट चुकल अछि, बहुत किछ छूट रहल अछि, जेकरा बहुत किछ छूट चुकल अछि, बहुत किछ छूट रहल अछि, जेकरा सम्हारै के काम हमरे यहाँ पर अछि। शायद हम सब अंतिम पीढ़ी छी जेकरा पास प्रेम स्नेह अपनापन सदाचार संस्कार और संस्कृति अछि, जे हम सब अपना अगला आबे वाला पीढ़ी के दऽ सकै छी और हमर अहाँ के देनाइ कर्तव्य अछि। दुनिया कहै छै जे दुनिया ग्लोबलाइजेशन भऽ रहल छै, लेकिन हम कहै छी एहि मोबाइल के वजह से घर घर में घर घर में लोग अलग भऽ रहल छै, कि कहू अपना जमाना में मोबाइल नहीं छल। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या बात है, अपना जमाना में मोबाइल नहीं छल मुदा तैयो भावनात्मक संदेश एक दूसरा के आबैत जात रही छल। आई मोबाइल छै तैयो हम सब अनभिज्ञ छै, एक एक गो कोठरी में रहै छै, ओ हमर मुँह घुमैले रहै छै, हमर मुँह घुमैले रहै छै। तऽ समस्या ई छै, पहिले जमाना में मोबाइल नहीं छलै मुदा तैयो की छलै परिवार में एकटा मन के संदेश मने से पहुँच जाइ छलै, आब मोबाइल छै तैयो एक दूसरा बातचीत नहीं होइ छै, जेना कहबे करलखिन व्हाट्सएप पर चैटिंग और मैसेंजर में मैसेज इएह सब होइ छै। तऽ फेर हम चलै छी कविता के कमदिश, आब हम बजबै लए चाहै छी सुमित्रा दास जी के, कवियत्री सुमित्रा दास जी के बजबै लए चाहै छी अपन कविता वाचन फेर देखे लेल। ताहिसँ पहिले हम एकटा अतिथि हमरा सब संग फेर आयल अछि, दिनेश चंद्र मिश्र जे मैथिली साहित्य परिषद वीरगंजक अध्यक्ष छथि, हुनको अतिथि के आसन ग्रहण कऽ देबाक लेल हार्दिक आमंत्रित करै छी। दिनेश चंद्र मिश्र जी सचिव सचिव जी छथि ओ मैथिली साहित्य परिषद वीरगंज के, धन्यवाद। और तैयारी अवस्था में रहे कहले चाहै छी अपन कविता के लऽ के श्रीमती वसुंधरा झा जी के विराटनगर से आयल छथि, तहिना हम वसुंधरा झा जी के सेहो अतिथि के आसन ग्रहण कऽ देबाक लेल हार्दिक आमंत्रित करै छी। वसुंधरा झा जी, तहिना हम श्रीमती आशा झा जे कि बृहत मधेसी महिला नागरिक समाज के अध्यक्ष छथि और बहुत ही अभियानी महिला देखबे करब, हम कोनो नै कवित्री नै छी, कोशिका जी कहलथि कवित्री, हम कोनो कवित्री नै छी और एकटा साधारण शिक्षक मात्र छी, हमर नाम सुमित्रा दास भेल और आइ मैथिली सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में जे हम एकटा सौभाग्य पाबलहुँ जे एकटा छोट छीन कविता जकाँ लिख कऽ हम अपन भावना एहिना प्रस्तुत करै लए चाहै छी, तहिना हमर कविता के शीर्षक अछि बाल पुकार। हम एकटा शिक्षा क्षेत्र में काम करै छी, ताहि लए कऽ हम शिक्षा से जुड़ल एकटा कविता लिखलहुँ यऽ। एकटा बालक के पुकार, हाथ जोड़ विनती करै छी सुनू हमर पुकार, यो गुणस्तरीय शिक्षा हमहूँ पाबी, यही इएह छी हमर अधिकार, यो ई अछि हमर अधिकार। विद्यालय अछि ज्ञानक खानी, नहि करू बन हड़ताल, यो राजनीतिसँ अलग राखब, सब मिली करू प्रयास, यो सब मिली करू प्रयास, हमरे सबहक लेल देश भी।